मैं अभी अध्याय 6 में, पूर्व में आपने नागरिकता प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन देखा। अब हम इसके आगे पढ़ सकते हैं कि नागरिकता हमारे देश की खो भी सकती है, मतलब नागरिकता की समाप्ति अथवा उसका लोप भी हो सकता है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं जिससे हम वहाँ की नागरिकता को छोड़ भी सकते हैं, और बिना छोड़े भी यदि कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं तो हमें वहां से निष्कासित कर दिया जाता है वहां की नागरिकता से। तो पहला तो हम स्वेच्छा से नागरिकता का क्या कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं स्वेच्छा से। यदि मान लो नागरिक को अधिकार दिया है कि वे वहां की नागरिकता त्याग सकते हैं और दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं, और वे सरकार की अनुमति से ऐसा कर सकते हैं, उन्हें आवेदन के साथ वहाँ के नियमों का पालन करना पड़ता है। तो पहला ये खोने के तरीके हैं, नागरिकता की समाप्ति या लोप या नागरिकता को खोने के तरीके, लॉस ऑफ सिटीजनशिप। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा कारण है दीर्घकालीन अनुपस्थिति। मान लो कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से दूसरे देश में रह रहा है, तो वहाँ के देश के कुछ नियमी का पालन नहीं कर रहा है, तो वो अपने पूर्व देश की नागरिकता को खो बैठता है। तो ये देश की अनुपस्थिति की जो अवधि है वो अलग अलग देशों में अलग अलग है। तीसरा है विदेशों से सम्मान प्राप्ति। ये नियम है हमारे भारत देश में है कि नागरिक सरकार की आज्ञा प्राप्त किए बिना किसी अन्य देश से कोई सरकारी नौकरी नहीं ले सकता, न ही कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि मान लो कोई व्यक्ति ने वहाँ की शासकीय सर्विस कर ली है या वहाँ का सम्मान प्राप्त कर लिया है, तो उसकी अपने देश की नागरिकता क्या हो जाती है, स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ये थे नागरिकता खोने का तीसरा कारण। चौथा, विवाह द्वारा। ये भी एक है कि अब एक महिला ने किसी दूसरे देश के पुरुष से विवाह कर लेती है तो वो उसकी नागरिकता वहीं की हो जाती है और उसके अपने पूर्व देश की नागरिकता खत्म हो जाती है। लुप्त तो होना मतलब समाप्त होना। पांचवा है देशद्रोह। यदि कोई व्यक्ति ने अपने देश के प्रति कोई अपराध किया है बहुत, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। सेना से भागने पर, ये भी आपको मालूम ही है कि सेना में जब भर्ती होती है तो ये नियम रहता है कि आप बिना सूचना दिए आप सैनिक सेना से भाग नहीं सकते। यदि आप भाग जाते हैं तो आप, मतलब जुर्म है ये बहुत ही भयंकर, तो उसकी नागरिकता का अंत हो जाता है। सातवां है समाज का त्याग। जो व्यक्ति समाज एवं राज्य को त्याग कर साधु संत हो जाते हैं उन्हें भी नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। गंभीर अपराध करने पर, अभी वैसे ही जैसे सेना से भागना भी एक गंभीर अपराध है, कुछ गंभीर अपराध जो बार बार पुनः दोहराए जाते हैं तो न्यायालय द्वारा नागरिकता का अंत कर दिया जाता है। या फिर अगला कारण हो सकता है दिमागी पागलपन अथवा दिवालिया हो जाए, तो वहाँ की नागरिकता उस व्यक्ति की समाप्त कर जाती है। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में ऐसा नहीं माना गया है, नागरिक को वहीं का नागरिक माना जाएगा। कहीं कहीं कुछ देशों में ऐसा होता है। ये थे नागरिकता खोने या नागरिकता समाप्ति के तरीके। अब हम पढ़ेंगे विश्व नागरिकता। ये विश्व नागरिकता एक नया शब्द आया है, अभी कुछ ही वर्षों से ये आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है कि कुछ लोग अपने देशों में नहीं रह पाते हैं, पलायन कर जाते हैं, कुछ युद्ध के डर से, कुछ युद्ध हो जाता है, कोई विवाद हो जाता है, कोई आपदा आ जाती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले पूर्व सुनामी एक प्राकृतिक आपदा थी, तो लोग भटक जाते हैं। सूडान के कुछ लोग वहाँ पर भी दूसरे देशों में रहने के लिए मजबूर हो गए। तो उससे क्या होता है कि उनको कहीं की नागरिकता नहीं मिल पाती और वो अपनी राजनीतिक पहचान और सुरक्षा गवा देते हैं और दूसरे देश के लिए जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो
तो फिर ऐसे लोगों की नागरिकता क्या होगी? ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है। तो आजकल एक नया शब्द आया है, विश्व नागरिकता। इस विश्व नागरिकता का मतलब होता है कि हम जिस विश्व में रहते हैं, आज इतनी संचार तकनीकी इतनी मजबूत है कि सब आपस में जुड़े हुए रहते हैं। संचार के इंटरनेट, टेलीविजन, सेलफोन, मोबाइल, इन सब से हम जुड़े रहते हैं कि हम पूरे विश्व को एक समझ लेते हैं। हो सकता है हमें ये वैश्विक जो है नागरिकता वो भी मिल सकती है। तो ये कहीं कहीं हुआ भी है कि जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ और भी ऐसे संगठन बनाए गए जिसमें अनेक देशों ने भाग लिया, लेकिन कुछ देश भाग नहीं लेते हैं तो उनको वो फायदा नहीं मिल पाता है। तो हम टेलीविजन के पर्दे पर विनाश और युद्धों को होते देख सकते हैं। इससे हम विश्व के विभिन्न देशों के लोगों से बहुत ही अच्छे साझे सारोपोर करके सहानुभूति विकसित होने में हमें क्या मिलती है? मदद मिलती है। तो ये जो विश्व नागरिकता है वो मैन सफल हुई है संचार के आधुनिक उपकरणों से, आधुनिक माध्यमों से। तो जो विश्व नागरिकता है, तो कई लोग इसको अच्छा मानते हैं कि विश्व नागरिकता हो सकती है, कुछ लोग कहते हैं विश्व नागरिकता नहीं है। इसलिए हो सकती है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ये एक संगठन है, विश्व व्यापार संगठन, इसमें विश्व के बहुत सारे देशों की सदस्यता प्राप्त है। और ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है कुछ मौलिक कर्तव्य भी अपने सदस्यों को देता है, लेकिन ये सदस्यता उन्हीं को मिली जाएगी, ये जो नागरिकता उन्हीं को मिलेगी जो उस संगठन के सदस्य हैं। और इस प्रकार ये पूरे देश विश्व में एक एकता और सहयोग की भावना विकसित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विश्व नागरिकता हो सकती है, लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा विश्व नागरिकता नहीं हो सकती है। इसलिए नहीं हो सकती है कि जो संगठन भी हैं वो कुछ देश शामिल हैं और कुछ देश नहीं है। तो नागरिकता एक राष्ट्र की हो सकती है, वो कहते हैं संपूर्ण विश्व की नहीं। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्विक नागरिकता प्रदान करने का कार्य नहीं करता, जो सदस्य हैं और इसके नियम सभी देशों पर एक समान रूप से लागू नहीं होते हैं। तो ये विश्व नागरिकता प्रदान नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं कि हम विश्व में एक दूसरे से संबंधित हैं और हम राष्ट्रीय नागरिकता के विचार को स्वीकार कर विश्व के सभी भागों के साथ अपना संबंध मजबूत करके और सहयोग के साथ हम कार्य कर सकते हैं। इस लेसन में एक और नया शब्द आया है, नागरिक और राष्ट्र। हम कहते हैं ना हम भारतीय हैं क्योंकि हम भारत में रहते हैं, तो हम भारतीय हैं। तो हमारे नागरिक में एक राष्ट्रीयता का, अपने राष्ट्र की एक पहचान होती है, ये हमारा देश का झंडा है, ये हमारे देश का राष्ट्रगान है, ये हमारे देश की राष्ट्र भाषा है। तो ये राष्ट्रीय पहचान के कुछ क्या होते हैं, कुछ प्रतीक होते हैं और हर राष्ट्र की एक अनोखी संस्कृति, भाषा और इतिहास होता है। तो जो अधिकांश आधुनिक राज्य अपने राष्ट्र में विभिन्न धर्मों, भाषाओं, सांस्कृतिक विरासत के लोगों को शामिल करते हैं, वे राष्ट्र के नागरिकों को राष्ट्र के अंग के रूप में पहचानने की एक विशेष अनुमति प्रदान करते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड इंग्लैंड वासियों का, जर्मनी जर्मनों का, भारत भारतीयों का, पाकिस्तान पाकिस्तानियों का देश है। तो इस प्रकार राष्ट्र अपने नागरिकों को एक विशेष पहचान प्रदान करता है और जिसके माध्यम से वो अन्य देशों में पहचाने जाते हैं। तो ये हमारा अध्याय यहीं पर खत्म हो गया, नागरिकता वाला। धन्यवाद।